भाई लोग जा रही है अपनी टोयोटा फॉर्चुनर सर्विस के लिए। स्वागत करता हूँ एक और फ्रेश वीडियो में आपको। आए हम लोग टोयोटा के शोरूम अपने टोयोटा फॉर्चुनर की सर्विस कराने। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, आपको मैं बता दूँ गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस जनरल सर्विस सेकेंड हैंड हमने लिया है तो जनरल सर्विस के लिए बस आए हम यहाँ पे। और जो यहाँ के हेड ऑफ मिस्त्री हैं, हिंदी में हम लोग मिस्त्री बोलते हैं, तो ये यहाँ पर जो मैकेनिक है उन्होंने कहा कि गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन किलोमीटर्स भी चली है। और यहाँ पर बस हम जनरल सर्विस कराने आए हैं अपनी गाड़ी का। तो बस यही देखो टोयोटा कितनी जेन्युइन बातें करती है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हमें लगा थोड़ा क्लच प्लेट का प्रॉब्लम होगा, बट यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, आपका क्लच प्लेट बिल्कुल ही सही है, हल्का सा हार्ड रहता है, मैनुअल वाली ये टोयोटा फॉर्चुनर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका क्लच प्लेट में भी कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा शायद बैटरी में थोड़ी दिक्कत होगी, पर उन्होंने कहा नहीं, बैटरी में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कार बिल्कुल ही सही है। और अपनी टोयोटा फॉर्चुनर मैं आपको बता दूँ अभी तक तो फ़िलहाल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। माइलेज की बात करें तो मैं बता दूँ 12-12.5 का माइलेज हम इससे निकाल रहे हैं, काफ़ी आराम से मैं ड्राइव करता हूँ। बाकी आज मैं इसको अकेला बहुत दूर ड्राइव करके लेके आया हूँ तो थोड़ी सी गंदी हो रखी है। बाकी आपको मैं आगे अपडेट देता रहूँगा जनरल सर्विस कैसे होती है टोयोटा फॉर्चुनर की। गाड़ी से अभी एयर फिल्टर निकाल दिया है यहाँ पे मैकेनिक साहब ने, और अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ और कितने की हमें सर्विस पड़ती है ये भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मेन तो बात वही है, अगर आप हाथी पालते हो तो कितना खर्चा आता है इस हाथी का, वो ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अपने गाड़ी में हूटर भी लगा है, बैटरी भी ये लोग चेक कर रहे हैं। टोयोटा वालों ने हमें ब्लैक कॉफ़ी ऑफर की है। बाकी आप देख सकते हो अपनी गाड़ी उठ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यार, रेयर व्हील है ये टोयोटा फॉर्चुनर का हमारे, और अंदर से सस्पेंशन आप देख सकते हैं यार कितनी बड़ी और कितनी मस्कुलर लग रही है ये। और यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया है जो कि बिल्कुल ही सही है। ये मत सोचिएगा कि मैं सर्विस कोई यहाँ पे बहुत तामझाम वाला हो रहा है, नहीं, जनरल सर्विस हो रहा है अपने टोयोटा फॉर्चुनर का। बाकी यार गाड़ी बहुत ब्रॉड और पता नहीं जब ये जैक पे चढ़ी है ना तो और भी बड़ी मस्कुलर लग रही है। आई एम जस्ट लविंग दिस फॉर्चुनर, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यार, एक बार फॉर्चुनर ले ली ना दोबारा आपको लेने का मन ही नहीं करेगा, कोई और गाड़ी चलाने का ही मन नहीं करेगा। बाकी आप देखिएगा वीडियो में बने रहिएगा क्या क्या करा रहे हैं क्या क्या नहीं करा रहे हैं। चली गई है अपनी टोयोटा फॉर्चुनर एकदम ऊपर, और नीचे से आप देख सकते हो कैसी लग रही है ना, एकदम टॉप पे है टोयोटा फॉर्चुनर अपनी। अभी मैकेनिक साहब हैं, इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं। बाकी नीचे से ऐसी कुछ है अपनी, इंजन ऑयल गिर रहा है टोयोटा फॉर्चुनर का अपने। भाई बहुत मस्कुलर लग रही है ये पीछे से ना। हम अपने सारे गाड़ियों का पार्ट पता है जेन्युइन सर्विस स्टेशन से ही कराते हैं और कहीं से नहीं कराते हैं। अभी लेके आए हैं ये एक डब्बा, डब्बे में पड़ा है पार्ट्स, जैसे इंजन ऑयल हो गया सब इसके अंदर है, इंजन ऑयल निकाल दिया था और अभी ये चेक कर रहे हैं। और कुछ लाइट थोड़ी कम है पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, बाकी ये सब लोग कर रहे हैं मेहनत, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं हम। अभी लेने गए हैं ऑयल फिल्टर, इसके अंदर क्या क्या है देख सकते हो, इंजन ऑयल है
टोटल कितना लीटर इंजन ऑयल पड़ता है इसमें? कितना लीटर इंजन ऑयल पड़ता है? 750 लीटर इंजन ऑयल पड़ता है यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये क्या है? एसी फिल्टर है ये। तो अभी मैकेनिक साहब यहाँ पे खोल रहे, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डिफरेंशियल ऑयल। डिफरेंशियल ऑयल यहाँ से निकाल रहे हैं। मैं दूर हट जाता हूँ वरना गिरेगा। बाकी गाड़ी की कंडीशन आप बताइए कैसी है? सही। ऑयल का कंडीशन कैसा है? ये ऑयल सिस्टम से चेंज हो जाएगा, 40 फिर 80 तो आप देख सकते हो कब कब इस ऑयल को चेंज करा जाता है, सब बताया उन्होंने। यहाँ पे हमारे ब्रेक पैड्स को भी साफ कर रहे हैं, यानी क्लीन कर रहे हैं। ये ब्रेक पैड्स को क्लीन कर रहे हैं मिस्त्री साहब। जो ऑयल इन्होंने निकाला था वो दोबारा फिलअप कर रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे फिलअप कर रहे हैं। और गाड़ियां बहुत सारी आ चुकी हैं, फॉर्चुनर ही फॉर्चुनर यहाँ पे दिख रही है, लेजेंडर। आपको पता कैसे चलेगा ये भर गया है? गिरने लगे। अच्छा, देखो जब गिरने लग रहा है तो इनको पता चल गया है कि अब ये भर चुका है। आपको शायद क्लियर ना दिखे लाइट के वजह से, लाइट इतनी बेहतरीन नहीं है यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी इनको पता चल गया है, जब गिरने लगा है तो इनको पता चल गया है कि ये भर चुका है। अब ये बंद कर देंगे, नट लगा देंगे इधर। और आगे का प्रोसीजर क्या क्या होता है मैं आपको बताता रहता हूँ। इसके अंदर अब इंजन ऑयल डालने जा रहे हैं। ये क्या डाल रहे हैं आप? ऑयल डाल रहे हैं, इंजन ऑयल। ये तीन अलग अलग जाएगा, 7.5 लीटर। और ये बड़ा वाला जो है 5 लीटर, ये आधा। बाकी वो भी मैकेनिक है, उन्होंने भी चेक किया, गाड़ी बढ़िया है। ये भी कह रहे हैं गाड़ी बढ़िया है, कोई गाड़ी में कमी नहीं है। इसका मतलब हमने सही प्रोडक्ट खरीदा है। और ख़रीदे भी क्यों ना यार, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमें गाड़ियों का। हम लोग ज़्यादा दिन गाड़ियाँ नहीं रखते, बट ये अब ज़्यादा दिन तक रहेगी हमारे पास। यहाँ पे मैकेनिक सर काम कर रहे हैं अपना। साढ़े 7 लीटर यहाँ पे पड़ता है इसके अंदर इंजन ऑयल। और ये बीस्ट है, ये दानव है, जानवर है, ये ज़्यादा खाती है, ज़्यादा पीती है। और यार माइलेज भी अच्छा खासा ही निकाल के दे रही थी। और क्या चाहिए आपको यार, इतने बड़े इंजन, इतने बड़ी गाड़ी से इतना तो माइलेज मिल रहा है, बहुत है, सफिशियंट है। आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया। और सर्विस कॉस्ट की बात करें तो अभी तक सर्विस कॉस्ट एस्टिमेट जितना बताया गया है लगभग 15-16 के आसपास बताया गया है, जो कि ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं भी कुर्ता पजामा पहन के आया हूँ, और ये भी कुर्ता में है। फॉर्चुनर इनके पास भी है, मेरे पास भी। तो सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही चलते हैं यूपी में, ऐसे ही कुर्ता पजामा पहन लेंगे और फॉर्चुनर रख लेंगे और चलेंगे उसी से। बड़ा वाला भी डाल दिए, 5 लीटर वाला ये इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप जेन्युइन तरीके से काम कहीं जेन्युइन शोरूम से कराते हैं, यानी टोयोटा के शोरूम में टोयोटा की गाड़ी का सर्विसिंग अगर आप कराते हैं, तो कितना बेहतरीन तरीके से ये सर्विस करते हैं। और सर्विस जो प्रोवाइड भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और मैं क्या ही बताऊँ यार, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। से पहले हमारे पास टोयोटा अर्बन क्रूज़र थी, वो तो गाड़ी नहीं थी यार, वो तो भंगार थी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाकी ये तो यार टोयोटा की अगर हम बात करें तो इनोवा और फॉर्चुनर, ये दो गाड़ियाँ ही हैं जिनके वजह से टोयोटा का नाम इतना आगे है। अभी टोयोटा की हाइलिक्स भी आ गई है, देखते हैं टोयोटा की हाइलिक्स कैसी रहती है। अगर जेन्युइन हमें लगी तो शायद वो भी हम ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नट कस रहे हैं हमारे टायर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप इसको अगर
अपने हाथों से कसते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं एक प्रॉपर तरीका होता है कैसे इसको कसा जाता है। आप ज़्यादा टाइट भी नहीं कर सकते, ज़्यादा ढीला भी नहीं कर सकते, एक प्रॉपर तरीके से इसको कसा जाता है ये। हालांकि अगर आप कंपनी में करते हैं तो कंपनी वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन से कर रहे हैं, और हमेशा क्रॉस में किया जाता है, आप लाइन से इसको नहीं कर सकते, क्रॉस में हमेशा किया जाता है टाइट इसको। ये देख रहे हैं आप एयर फिल्टर मेरे गाड़ी का, बिल्कुल ही अभी क्लीन करेंगे और यहाँ से लॉक हो जाता है, चारों तरफ से लॉक कर दिया है। एसी फिल्टर इनके हाथ में है, अभी ये एसी फिल्टर भी चेक करके चेंज करेंगे। अब एसी फिल्टर कहाँ होता है आप ये देख लीजिए टोयोटा फॉर्च्यूनर में, तो आप देखिए कहाँ से ये एसी फिल्टर निकाल रहे हैं, आपको दिख रहा नहीं होगा, इसके अंदर रहता है एसी फिल्टर, इतना गंदा है। इसीलिए एसी इतना इफेक्टिव काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका एसी फिल्टर आप देख सकते हैं, ऑल दो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट फिर भी बहुत गंदा हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि 6 लेन है यार हमारे घर के आसपास, और काफ़ी ज़्यादा धूल आमने सामने है, क्योंकि आपको पता होगा 6 लेन काफ़ी ऊपर बनाया गया है, तो मिट्टी जो नीचे है वो काफ़ी ज़्यादा धूल पैदा करती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको चेंज कर दिए हैं, मैंने फेंक दिया है यहाँ पे, और अपने गाड़ी का ये चेंज कर लिया है। देखिए अब ये टायर को ना पहले मशीन से चेक किए थे, अब अपने हाथ से कस रहे हैं, 2 बार कसते हैं, 3 बार फाइनल चेक। अच्छा ये फाइनल चेकिंग कर रहे हैं, अच्छा एक और बार करेंगे ये। देख कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे मैकेनिक सर हमें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा किसी रोबोटिक्स चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते, इसीलिए ये चेक कर रहे हैं हाथों से। मैं आपको बता दूँ यार इसका टायर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं और मॉन्स्टर जैसे लगते हैं। फाइनल चेक कर रहे हैं अभी ये, मतलब टोटल आप 3 बार 3 स्टेप में इसको करते हैं ना, तो देखिए 3 स्टेप में इसको किया जाता है। पहले ये मशीन से करते हैं, इस मशीन से, उसके बाद मैनुअल करते हैं ये, अब ये 3री बार इससे कर। आपको कैसे पता चलता है ये अब कस गया अच्छे से? तक से बोल रहा है ना। अच्छा टाइट नहीं रहेगा तो तक से नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपको लाइट इतनी बढ़िया नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही है यहाँ पे। अभी ये इधर से करेंगे, आप देखना आवाज़ आएगी। ऐसी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही सही है। फाइनली अब जनरल सर्विस हो गई है, अब जनरल चेकिंग कर रहे हैं, ये हो गया है सब कुछ फाइनल, गाड़ी को स्टार्ट किया इन्होंने। ऊपर जा रही है गाड़ी, स्टार्ट है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर, नंबर आप देख सकते हो UP 51 AJ 5100, नंबर भी काफ़ी भयंकर है। अभी आप सर्च मत करिएगा इसको, अगर आप सर्च करेंगे ना तो ये आपको दूसरे के नाम पे दिखाएगी, क्योंकि अभी अभी हमने लिया है,
बहुत जल्दी ये अपने नाम पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। बाकी नीचे से गाड़ी अपनी एकदम ही क्लीन है, क्लीन कंडीशन में है। फाइनल चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों फाइनल चेक करेंगे, मिस्त्री सर है, मैकेनिक जो है हमारे। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बना हुआ है। बाकी देखिए अपनी गाड़ी नीचे आएगी। गाड़ी बंद कर दिया इन्होंने अपना। मेन काम है जो कि थोड़ा सा इसका क्लच हार्ड हमें लग रहा था, तो हमें लगा क्लच प्लेट इसका चला गया, फिर हमें बताया कि नहीं, टोयोटा फॉर्च्यूनर जो ये मैनुअल है इसका क्लच प्लेट क्लच थोड़ा सा हार्ड होता ही है। तो अभी उसी के नीचे ये जा रहे हैं और थोड़ी सी रबिंग करेंगे, यानी ग्रीसिंग करेंगे थोड़ा सा, और वहाँ से सर क्लच दबाएँगे। सर क्लच दबा रहे हैं और ये नीचे आप देख सकते हो, अभी ये दबा रहे हैं नीचे, ग्रीसिंग कर रहे हैं ताकि जिससे थोड़ा सा क्लच लाइट हो जाए। अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन कर रहे हैं और ये यहाँ से मैन्युअली क्लच को दबाएंगे। यहाँ आपको दिख रहा नहीं होगा इतना क्लियर, देखिए वो ग्रीस यानी ग्रीसिंग कर रहे हैं गाड़ी का, और गाड़ी अपनी एकदम ही नई है, नीचे से आप देख रहे हो टोयोटा फॉर्च्यूनर को। गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। देखो वो उसके अंदर डाल रहे हैं, ग्रीस करेंगे उसके अंदर, ग्रीसिंग करेंगे। चल चल बात करी, बात करी, एक मिनट ये तो दिखाया। उसके बाद ये इसको बंद भी कर रहे हैं। चल देख दे, नहीं करते चल एक बार और कर। हाँ पंप कर, देखिए उसको अच्छे से सील भी कर दिया इन्होंने। सील करने के बाद आप अपनी गाड़ी नीचे से देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं ये हैंड ब्रेक टाइट कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा था ना, हम अपनी गाड़ी का जब हैंड ब्रेक लगाते थे तो हल्का सा गाड़ी पीछे जाती थी, तो अभी इससे नहीं जाएगी, हैंड ब्रेक टाइट कर रहे हैं ये।
अंदर आप देख सकते हो कैसे टाइट किया जाता है ये भी चीज़। मैकेनिक सर यहाँ पे काम कर रहे हैं, गाड़ी से धूल काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, बाकी गाड़ी अपनी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। देखिएगा उनका हाथ कहाँ पे है, हल्की सी छोटी सी वायर है जिसको ये फुल अपना जाइए टाइट के देख। अब ना है पाई फुल हो एकदम। फुल पे इन्होंने टाइट कर दिया है ना। काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है बट कोई बात नहीं। अब उतर रहे हैं, अपनी गाड़ी उतर रही है। फाइनली जनरल सर्विस हो चुका है हमारे टोयोटा फॉर्चुनर का, और अभी तक एस्टिमेट कितना है मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी जा रही है अपनी वॉशिंग के लिए, कंप्लीट वॉश होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है जैसा कि मैंने आपको बताया। काफ़ी ज़्यादा चली भी है, धूल तो यार इतना निकला है ना इससे आप देख सकते हो। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, RAFTAA R7811 अब ना लिख दिया है मैंने, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आगे देखिए क्या होता है अपनी गाड़ी में, वॉशिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाई दूंगा कितने अच्छे तरीके से वॉशिंग करते हैं ये लोग या नहीं करते हैं। भाई मेरे दोस्त की गाड़ी तो बढ़िया नहीं करते हैं, टाटा की है उसके पास, बाकी देखते हैं आगे। अभी ये पानी डाल रहे हैं इसके अंदर और नॉर्मल पानी है ये, उन्होंने बंद कर दिया। अब गाड़ी अपनी कंप्लीट रेडी हो चुकी है, अब ब्रेक ऑयल डाल रहे हैं अब ये गाड़ी के अंदर। अच्छा पुराना वाला निकाल दिया आपने? अच्छा निकालने जा रहे हैं, और उसको निकालने के बाद ये नया डाल देंगे। यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे होगा इनके पास। तो ब्रेक ऑयल आप देख सकते हो कैसा है। अच्छा ब्रेक ऑयल का कंडीशन कुछ रहता है? कंडीशन मतलब 40,000 पे चेंज हो जाता है। अच्छा हर 40,000 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको जैसा बताया अपने गाड़ी हमने ली है तो यार ये तो चेंज कराना बनता है, क्योंकि यार अपनी सेफ्टी भी है। गलत कह रहा हूँ? सेफ्टी भी रहती है, इसलिए इतनी महंगी गाड़ी लेके अगर आप 5-10 हज़ार रुपये बचाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पर इन्होंने। आप अपना नाम बता दिए? यादव साहब हैं यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया काम किया है इन्होंने अपने गाड़ी में। तो पड़ रहा है ब्रेक ऑयल यहाँ पे डाल रहे हैं ये मैनेजर हैं ये। कंप्लीट रेडी हो गई है गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैटरी भी ऑलमोस्ट नहीं है, बस अब ये किलोमीटर मांगेगी। आप मैनेजर साहब हैं, ये लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी। हाँ
उसके अंदर डाल दी, उसके अंदर वो जो है ना, हाँ वॉशिंग के लिए ही अब अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। अब देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है यार, DRLs कितने बढ़िया लग रहे हैं गाड़ी के। जा रही है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर अब वॉशिंग के लिए। चलिए अब वॉशिंग सेंटर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी वॉशिंग करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर की हमारी। बाकी टोयोटा शोरूम की अगर हम सर्विस की बात करें तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद दी सर्विस, काफ़ी बढ़िया सर्विस प्रोवाइड किया। काफ़ी जल्दी मैं आ गया था, ऑल दो अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए, और यहाँ पर गाड़ियों की लाइन ही लाइन है। बाकी यार गाड़ी बहुत ही सेक्सी है यार, बहुत ही सेक्सी, बहुत ही बढ़िया है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है गाड़ी के अंदर। बस अब सर्विस के लिए खड़ी हो रही है, यहाँ पे वॉशिंग के लिए, सॉरी वॉशिंग के लिए खड़ी होने जा रही है। गाड़ी कंप्लीट रेडी है अपनी। तो वॉशिंग के लिए रेडी है अब अपनी गाड़ी, वॉश होगी यहाँ से। मैट्स निकाल रहे हैं गाड़ी के अंदर से। मैट वगैरह निकाल दिए हैं गाड़ी का और अंदर से गाड़ी को अब क्लीन करेंगे ये लोग। ऑल दो अंदर से क्लीन है मेरी गाड़ी, पर फिर भी यहाँ अच्छे से क्लीन करेंगे। तो बढ़िया तरीके से ये लोग गाड़ी को अंदर से, मैं आपको बता दूँ, हवा से साफ कर रहे हैं। गाड़ी अपनी ऑलरेडी अंदर से क्लीन्ड है। सो दे आर डूइंग वॉशिंग ऑफ माई टोयोटा फॉर्च्यूनर। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा यार मेरे को। अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर को वॉश होते हुए आप देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और कितनी बड़ी लग रही है आप ये भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में यही बात करेंगे, बाकी मैं आपको दिखा दूँ काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। अंदर से इन्होंने क्लीन किया है, बाहर से भी करेंगे ये लोग। और कितनी मस्कुलर लग रही है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर ये भी आप देख सकते हैं। गंदी मस्कुलर टोयोटा फॉर्च्यूनर ये है अपनी। काफ़ी ज़्यादा फन टाइप की वीडियो रहेगी ये। मैट वगैरह वो लोग साफ कर रहे हैं यहाँ पे। इतना लोग आ गया, पहले मैट क्लीन होगी फिर अपनी गाड़ी का पूरा आउटर लुक ये क्लीन करेंगे, नीचे से भी ये क्लीन करेंगे। गाड़ी उठेगी अपनी जैक पे। तो स्टार्ट हो गया अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर का वॉशिंग प्रोसेस, और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे वॉश कर रहे हैं ये। जब वॉश हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसा इन्होंने वॉश किया है, क्योंकि वॉशिंग वाला मैं आपको दूसरा वीडियो बना के भेजूंगा कि कंपनी वालों ने कैसा वॉशिंग किया है। बाकी आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है, ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद गाड़ी बाहर जाएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएंगे और मैं आपको बता दूंगा कितना लगता है अगर आप ऐसी हाथी खरीदते हैं और पालते हैं तो सर्विस कॉस्ट कितना आता है। तो कंप्लीट हो गई है वॉशिंग अपनी गाड़ी की, बस अब अपनी गाड़ी बाहर निकल रही है, मैनेजर हैं। और मैं आपको बता दूं यार, हमारा जो कॉस्ट आया है, यानी टोटल सर्विस कॉस्ट आया है, तो टोटल सर्विस कॉस्ट हमें पड़ा है, मैं आप यहाँ पर दिखा रहा है, 15,900 कुछ रुपए की हमारी यहाँ पे सर्विस हुई है इस टोयोटा फॉर्च्यूनर की। वॉशिंग कंप्लीट हो गई है और मैं आपको बता दूं इतना भी ज़्यादा नहीं है इसका अगर सर्विस कॉस्ट की अगर हम बात करें। बाकी आपको बताते हैं आगे। फाइनली वॉशिंग कंप्लीट हो गई अपनी गाड़ी की, ऐसी कुछ वॉशिंग होके लग रही है, ब्रांड न्यू चमक रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर अब जा रही है अंदर।
बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा चाहते सीट बेल्ट, टू व्हीलर चाहते हेलमेट जरूर पहने, सेफ्टी नंबर प्रायोरिटी, साइनिंग ऑफ रखता 78 लगे। जय हिंद जय भारत। तो फाइनली पॉलिश भी हो रही है अपनी गाड़ी, आप देख सकते हैं कंप्लीट रेडी हो चुकी है। बस मेरे मैनेजर आएंगे, वो इसका एस्टिमेट कॉस्ट मतलब जो भी सर्विस चार्ज है वो पे करेंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। फोर व्हीलर चाहते हैं सीट बेल्ट, टू व्हीलर चाहते हैं हेलमेट जरूर पहने, सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी, साइनिंग ऑफ 78 11। जय हिंद जय भारत।